है भुगतान संतुलन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन, सबसे पहले उसकी परिभाषा। भुगतान संतुलन एक देश के अन्य देशों के साथ समस्त आर्थिक लेन देन का एक निश्चित समय में क्रमबद्ध विवरण है। सबसे पहले उसकी परिभाषा लिखेंगे, संक्षिप्त परिभाषा, जो भी सरलता से याद हो। भुगतान संतुलन एक देश के समस्त आर्थिक लेन देन शेष विश्व के साथ समस्त आर्थिक लेन देन का विवरण भुगतान संतुलन या भुगतान शेष कहलाता है। या किसी देश के दृश्य अदृश्य और उपहार, स्वर्ण का आवागमन, इस प्रकार के लेन देन का शेष विश्व के साथ, वो भी भुगतान शेष कहलाता है। भुगतान शेष का महत्व क्या है, तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से भुगतान शेष के महत्व को समझा जा सकता है, जिसमें पहला बिंदु है अंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का सूचक। हम जानते हैं कि भुगतान संतुलन में दृश्य मदें अर्थात वस्तुओं के आयात निर्यात, सेवाएं अदृश्य मदें, इन सबका विस्तृत ब्यौरा होता है। उसके देनदारी पक्ष, लेनदारी पक्ष जो भुगतान शेष में है, इन दोनों का स्पष्ट होता है, ब्यौरा होता है पूरा। तो उससे एक देश की अंतरराष्ट्रीय स्थिति क्या है, तुलनात्मक दृष्टि से एक देश की आर्थिक स्थिति अन्य देशों के साथ कैसी है, इसका ज्ञान हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान शेष से पता चलता है। दूसरा है कि विदेशी व्यापार की प्रवृत्ति का सूचक। चूंकि भुगतान शेष का एक महत्वपूर्ण अंग व्यापार शेष है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड बताता है कि आयात मूल्य और निर्यात मूल्य के अंतर को। तो विदेशी व्यापार की प्रवृत्ति भुगतान शेष के द्वारा जानी जा सकती है, क्योंकि इससे आयात और निर्यात की स्थिति का पता चलता है। सेवाओं का भी इसी प्रकार से आयात और निर्यात होता है। तो भुगतान शेष में दोनों चीजों का समावेश होता है, दृश्य मदों का, अदृश्य मदों का। तो इस प्रकार से जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हमारा है, किसी भी देश का अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, उसका स्पष्ट ज्ञान यदि हम उस देश की बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम देख लें, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके आयात और निर्यात की क्या स्थिति है। अगला है कि विदेशी ऋणों के भुगतान की विधि का ज्ञान। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट से यह भी पता चलता है कि एक देश अपने विदेशी ऋणों का भुगतान किस प्रकार से कर रहा है। विदेशी भुगतान की स्थिति का पता चलता है, एक देश अपने दायित्व किस प्रकार से भुगतान कर रहे हैं। एक देश क्या जो निर्यात है, निर्यात वृद्धि करके अपने दायित्वों का भुगतान कर रहा है, या विनियोग करके, या उपहार पर्यटन आदि को बढ़ावा दे करके। तो इस प्रकार से भुगतान शेष से विदेशी ऋणों के भुगतान की विधि का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसके किस प्रकार से वो अपने दायित्वों का भुगतान कर रहा है, इसका भी स्पष्ट पता चल जाता है। अगला बिंदु है कि मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव। हम जानते हैं कि मुद्रा का अवमूल्यन जब होता है, तो उससे जो निर्यात है उसमें वृद्धि होती है। आयात मूल्य चूंकि महंगा, आयात करना महंगा हो जाता है, तो अवमूल्यन से भुगतान शेष ये बताता है कि
अवमूल्यन का क्या प्रभाव रहा है? भुगतान से इससे पता चलता है कि अवमूल्यन से मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ा है, और चालू खाते से पता चलता है कि निर्यात में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है। अवमूल्यन किया गया तो उसका चालू खाता हम देखते हैं, फिर उसमें ये स्पष्ट होता है कि निर्यात हमारे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। अवमूल्यन से यदि निर्यात नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका विपरीत प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो आयात है उसके भुगतान में हमें मुद्रा अधिक देनी पड़ेगी, तो इस कारण से उसका प्रभाव है वो देश के लिए हानि की स्थिति होगी। तो अवमूल्यन का मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ा है ये भी भुगतान से इससे हम समझ सकते हैं, पता चल जाता है। विभिन्न मुद्राओं में देश के भुगतान की स्थिति, अब चूंकि भुगतान शेष में एक देश के सभी देशों के साथ आर्थिक लेन देन का स्पष्ट ब्यौरा होता है, तो हम ये भी जान जाएंगे कि विभिन्न देशों की मुद्राओं में हम किस प्रकार से भुगतान कर रहे हैं। क्या सभी देश डॉलर को स्वीकार कर रहे हैं, क्या सभी देश पाउंड को स्वीकार कर रहे हैं, यूरो को क्या सभी देश स्वीकार कर रहे हैं। तो भुगतान से ये हमें पता चल जाएगा कि हमने विभिन्न देशों में किस प्रकार से दायित्वों का भुगतान किया है, या हमें किस प्रकार से हमें लेनदारी, किन किन मुद्राओं में हमें लेनदारी प्राप्त हो रही है। राष्ट्रीय आय पर प्रभाव, अब भुगतान शेष का राष्ट्रीय आय पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भुगतान शेष से आयात और निर्यात की स्थिति का पता चल जाता है, सेवाओं के आदान प्रदान का पता चल जाता है, विनियोग का पता चल जाता है, विनियोग की क्या स्थिति है, और ये सभी देश की राष्ट्रीय आय पर इनका स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। तो भुगतान शेष किसी भी देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भुगतान शेष दृश्य और अदृश्य मदों के आर्थिक लेन देन का समावेश भुगतान शेष में होता है, तो भुगतान शेष से आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है, भुगतान शेष राष्ट्रीय आय के प्रभाव को भी स्पष्ट करता है। व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक देश की क्या स्थिति है, इससे भी भुगतान शेष से पता चल जाता है। तो इस निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भुगतान शेष एक देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक ब्यौरा है। धन्यवाद।